मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। In heatwave, it is 29 degrees or 30. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट मज़े में हैं। आज यूके में है हीट वेव, बहुत ज़्यादा गर्मी है और 29 टेम्परेचर आ गया है आज। ओ माय गॉड, हॉटेस्ट डे है दिस ईयर का ये, और बहुत गर्मी लग रही है। अभी बस मैं जल्दी से जाके फ्रेश होंगी, शावर लूँगी। बच्चों को, दोनों को मैंने शावर दे दिया है, फ्रेश कर दिया ताकि बच्चों को गर्मी ना लगे, बच्चे बीमार ना हो जाएं। और आज मैंने बच्चों को कहा है आपने बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है, रात में खाना खाने के बाद वॉक करने जाना होगा तो वो हम जा सकते हैं, उस वक्त ज़रा ठंडा हो जाएगा मौसम। लेकिन जब तक धूप है बाहर तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। एनीवेज, मैं जल्दी से फ्रेश होती हूँ, बहुत गर्मी लग रही है और हम अपना आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। हानिया, फ्रूट्स टाइम। क्विक, आज आपके फ्रूट्स में है वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, मैंगो एंड चेरी। ओके, और जल्दी से फ्रूट्स खाओ। फिर उसके 10 मिनट्स के बाद मैंने आपको शावर देना है। भाईजान ने शावर ले लिया है, ठीक है। जल्दी से मेरा बेटा क्विक खाओ योर फ्रूट्स। उठ के बैठ जाओ बेटा, जल्दी से मेरा बेटा उठ के बैठो। गाइस, मैं हुजैफा एंड हानिया को इसलिए सेपरेट बिठाती हूँ, फिर हुजैफा हानिया को, आप खुद बताओगे, तंग करता हूँ। बोलो। अभी हुजैफा ने स्कूल से आगे गाइस शावर लिया है क्योंकि आज गर्मी बहुत ज्यादा है। पीछे होके बैठो, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, लेटना बिल्कुल भी नहीं है। आगे हो थोड़ा सा, और चलो अब बिल्कुल बैठना है। और फ्रूट्स को अपने पास कर लो और आपने ये जल्दी से फिनिश करना है, ठीक है। फ्रेश में हो गई हूँ। शावर लेने के बाद जो मुझे फील मिल रही है ना, वो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। ये सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मैंने सुना है कि 50 तक टेम्परेचर जो है वो टच हुआ है। तो हमारी तो गाइस 29-30 पे ही बस हो गई है। सो एनीवेज, अभी मैं किचन में जा रही हूँ, रात के डिनर की तैयारी करूँगी, रोटी वगैरह बनाऊँगी। और अभी भी स्टिल देखें आप, रोशनी इतनी ज़्यादा है कि दिल ही नहीं करता कि इस टाइम मैं जाके डिनर की तैयारी करूँ, लेकिन टाइम तो हो ही जाता है। रोशनी रहती है 10 बजे तक, तो अगर आप रोशनी को देखो तो ऐसे लगता है जैसे अभी शाम के 5-6 ही बजे हुए। लेकिन बच्चों ने स्कूल जाना होता है, वर्किंग डे होता है, तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम 10-11 बजे तक सो जाएं। बट बच्चों को जब भी लिटाते हैं ना सोने के लिए, बच्चे ये कहते हैं अभी तो बाहर रोशनी है, डे टाइम है, आप इतना जल्दी हमें क्यों लिटा रहे हैं। 9 o'clock अगर हम बच्चों को लिटाते हैं तो बच्चे कहते हैं अभी डे टाइम है, अभी हमने नहीं सोना। ये देखें आप, ये डिनर का टाइम है गाइस हमारा, और धूप देखें आप कैसे चमक रहा है बाहर, रोशनी रोशनी हो रही है हर तरफ। डिनर हमने कर लिया और मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, तो मैंने सोचा कि शावर लेता हूँ। तो मैं जैसे ही शावर लेने गया हूँ तो शावर में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आ रहा था और मैं वैसे ही उल्टे पाँव बाहर आ गया हूँ। मुझे लगता है कि बच्चों ने कोई सेटिंग वगैरह ख़राब कर दी है, शायद इस वजह से पानी नहीं आ रहा। और मज़े की बात, यहाँ पे समर में भी आप ठंडे पानी से नहीं नहा सकते, बहुत ज़्यादा आइस कोल्ड वाटर आता है, तो जिसकी वजह से आपको पूरा साल वार्म और हॉट वाटर से ही शावर लेना पड़ता है। शावर मैं बाद में लूँगा। एनीवेज, अब किचन में जाके देखते हैं और सोनिया से पूछते हैं कि डिज़र्ट में क्या खाना है। सोनिया जी, क्या मिल्कशेक पीना है या आइसक्रीम खानी है? मिल्कशेक बन भी गया आज। बना भी लिया है? आवाज़ ही नहीं आई। किसका बनाया, मैंगो या बनाना? बनाना। मैंगो तो मैंने खा लिए थे ना हमने आज। ओके तो फिर मैंने कहा कि चलो बनाना का मिल्कशेक पीते हैं। बस वो मैंगो रह गए, ज़ैफा के वो लाने वाले। अच्छा, फिनिश हो रहे हैं? चलो, मेरा लगा साउथ हॉल में गया तो फिर मैं लेता आऊंगा क्योंकि साउथ हॉल से ही मैंगो अच्छे मिलते हैं और कहीं से अच्छे नहीं मिलते। हमारे टाउन में मैंगो मिलते तो हैं लेकिन इतने अच्छे नहीं हैं, और मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ पाकिस्तानी मैंगो। और पाकिस्तानी मैंगो में सिंदरी मैंगो कहते हैं, कौन सा आम नहीं अच्छे लगते, सिंदरी आम अच्छे होते हैं। सिंदरी, मुझे नाम नहीं आ रहा था। सिंदरी आम जो है वो इसलिए क्योंकि उसके एक तो बाल नहीं होते, और वो मिल्क शेक के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं प्रेफर वही करता हूँ और हुज़ैफा भी वही खाता है। खाने की इतनी प्यारी वो आ रही है, तो ये क्या किस चीज़ की खुशबू है? राइस की। मैंने फर्स्ट राइस हाँ नहीं ऐसे पोनी देखो आप खुद कर लिया करो। देखो अच्छी लग रही है ऐसे, हेयर्स ओपन नहीं करने आप। मैं स्कूल में ऐसे कर सकता हूँ? नहीं नहीं स्कूल में मम्मा ही करेंगी, स्कूल में मम्मा ऑलवेज करेंगी। आपको गर्मी लग रही है? मैंने शावर लिया, मैंने हेयर्स ओपन किए, मेरे हेयर्स वेट हैं जी। हम क्या प्ले करेंगे? आज मैं आपके साथ वो प्ले करूँगी जब मैं छोटी थी तो उस वक्त मैं प्ले करती थी अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है? वो वाली गेम आज प्ले करेंगे मम्मा के साथ, बहुत फन आएगा, बहुत मज़ा आएगा आज आपको। और पापा को भी पता है कि मैंने कौन सी गेम प्ले करनी है, पापा को भी नीचे जाके बताती हूँ मैंने। चलो नीचे चले आ जाओ, लेट्स गो। आ जाओ साकिब, ब्लॉक कर देना है। जी नहीं बेटा अभी नहीं, हमने वीकेंड पे जाना है कहीं, सैटरडे पिकनिक करेंगे, फैमिली पिकनिक। सो गाइस जब हम छोटे थे आपको भी याद होगा कि एक गेम हम प्ले करते थे पकड़न पकड़ाई, याद है आपको? एक होता था पकड़म पकड़ाई, एक होता था बर्फ पानी। बर्फ पानी का नहीं पता, बर्फ पानी का नहीं पता तो पकड़म पकड़ाई वो तो एक ऐसी गेम है हर इंसान ने प्ले की होगी बचपन में। हाँ चलो पकड़म पकड़ाई खेलते हैं आज, बर्फ पानी फिर मैं कभी और टाइम पे खेलूंगी। वो तो ये तो इंटरनेशनल हाँ पकड़म पकड़ाई तो सब हर जगह खेलते हैं। अच्छा सबसे पहले तो हमने करना है ऐसे ऐसे करके करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप निकल गए बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खानिया आनी आउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैं भी निकल गई। अब हुज़ैफा ने हम सबको पकड़ना है। अच्छा हुज़ैफा अब हम सब ने रन करना है और आपने हमें कैच करना है। जिसको आपने नहीं ऐसे पकड़ना है, जिसको आपने पकड़ लिया ना फिर उसने सबको पकड़ना है, इस तरह होगा। नहीं तो जब वो पकड़ेगा तो फिर हुज़ैफा क्या करेगा? फिर हुज़ैफा हमारे साथ प्ले करेगा। अच्छा अच्छा वो फिर पकड़ना शुरू कर देगा। ओके जी बेटा। जी जब आपने कह रहे पकड़ लिया मामा को, फिर मैंने पकड़ना है आप सबको, आप सबने भागना है, ठीक है? अच्छा हुज़ैफा मेक श्योर करना आपने उस फुटपाथ पे उधर नहीं जाना, ओके? ठीक है हाँ, इधर इधर ही करना है, ठीक है? तो आप कैमरा होल्ड करोगे, आपने भी प्ले करना है लेकिन। चलो ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पकड़ लिया हानिया। अब अभी नहीं ऐसे नहीं, अब आप उधर जाओ और काउंटिंग करो 10 तक। अच्छा यहाँ के बच्चे ऐसी गेम्स नहीं ना प्ले करते इसलिए इनको पता नहीं। टच करना है पकड़ना है? जो टच करने का कर नहीं पकड़ना है। 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये तो सीढ़ी उनको क्यों नहीं पकड़ रही हो? उनको भी पकड़ना है, सबको पकड़ना है आपने। मोबाइल की वजह से पकड़ी गई हूँ यार। ये तो चलो अच्छी सासी एक्सरसाइज है, खाना डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए मैंने कहा था खा पी के आओ। चलो मेरी टर्न है, मैंने सबको पकड़ना है। 1 two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ऐसे लग रहा है साउथ अफ्रीका के जंगल में से आए हो। देखो प्लांट्स के नीचे से जंगल में प्ले कर रहे हैं। पकड़ लिया कैसे ग्रैब किया जोर से। मेरे हाथ में कैमरा है इसलिए मुझे पापा को पकड़ने में मुश्किल हो रही है, वरना मैं पकड़ सकती हूं। काफी दिनों के बाद भागा। चलो बस आज के लिए इतना ही करो। ये वैसे डेली हमें एक्सरसाइज थोड़ी सी करनी चाहिए भाग कर। हम एक्चुअली रन नहीं ना करते इसलिए फिर सांस चढ़ता है। वॉक तो हम कर लेते हैं फास्ट, लेकिन भागने वाला काम होना चाहिए। वैसे बहुत देर के बाद भागो, पता नहीं कितने सालों के बाद। चलो हुज़ैफा मजा आया आपको प्ले करने का? डेली अब इसी तरह कोई ना कोई हम फन वाली गेम प्ले किया करेंगे। कल हम कोई और गेम प्ले करेंगे, ठीक है? क्योंकि गाइस यही टाइम है समर का। अभी बाकी गेम हम कैमरा ऑफ करके करते हैं ताकि थोड़ा सा बच्चों को भी मजा आए और हमें भी। अभी मुझे कैमरा पकड़ के ना सही मजा नहीं आ रहा था। So guys, vlog end करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। अल्लाह हाफिज़।